वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? रेज योर हैंड इफ आई एम ऑडिबल टू यू। यस, एट्थ ए, एम आई ऑडिबल? एट्थ बी, एट्थ ई, एट्थ ई, एम आई ऑडिबल? रेज योर हैंड इफ आई एम ऑडिबल टू यू। एट्थ ई, ई सेक्शन, ओके। एफ सेक्शन, एम आई ऑडिबल? एफ सेक्शन, ओके, थैंक यू। सो थैंक्स फॉर कंफर्मिंग दिस, जस्ट गिव मी अ मिनट। जस्ट वेट अ मिनट। यस स्टूडेंट्स, प्लीज सेटल डाउन। दोज हु आर ज्वाइंट, प्लीज सेटल डाउन फास्ट। और सब अपनी नोटबुक कॉपीज जो लिख रहे हो उसको बंद करो। क्लोज योर नोटबुक्स। यस, क्लोज योर नोटबुक्स। आई हैवंट गिवन यू एनी टास्क और एनी वर्क टू डू। क्लोज योर नोटबुक। एट बी, फर्स्ट बेंच गर्ल, सेम क्लास, सेम क्लास, कॉर्नर रोज। बेटा, आई कैन सी ईच एंड एवरी स्टूडेंट फ्रॉम हेयर एंड आई विल टेक स्क्रीनशॉट एंड शेयर विद योर प्रिंसिपल इफ यू आर डूइंग एनी अदर वर्क हेयर इन दिस क्लास। यू आर नॉट सपोज टू डू योर होमवर्क और पेंडिंग टास्क हेयर इन दिस क्लास। ओके, जस्ट टेक आउट योर स्टैम्प, नोटबुक एंड पेन पेंसिल, नथिंग एल्स। ओके, यस। सो नाउ गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग एंड व्हाट्स टुडेज डेट? एंड व्हाट्स टुडेज डेट? सो मैम, 14 चिल्ड्रन इट्स हूज डे? किसका दिन है आज? डे। आपका। सो विश योर सेल्फ अ हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ओके, इट्स थैंक यू हैप्पी, थैंक मैम। यू। ओके, टेल मी, कौन बता सकते हैं आज के दिन को चिल्ड्रंस डे क्यों कहा जाता है? व्हाई वी कॉल इट चिल्ड्रंस डे? व्हाई वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे? किसका अच्छा, नेहरू का बर्थडे आज। नेहरू का बर्थडे था आज। जवाहरलाल बर्थडे? चाचा नेहरू का, नेहरू जवाहरलाल नेहरू जी का। फर्स्ट जी का। एंड चाचा नेहरू जी कौन है? दैट्स प्राइम मिनिस्टर। इंडिया दैट्स रियली गुड। सबकी नॉलेज कितनी अच्छी है। दैट्स रियली गुड। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड व्हाई डू वी कॉल कॉल हिम चाचा जी? कौन बताएगा उन्हें हम चाचा जी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। हाँ, वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे एंड प्यार से बच्चे उन्हें चाचा जी कहते थे। ओके, सो दैट्स व्हाई, दैट्स रियली गुड। यू नो व्हाई चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर एंड हु वाज यू नो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री? सो आई एम ग्लैड टू नो यू हैव गुड नॉलेज। ओके, सो नाउ चिल्ड्रन डे में आप क्या क्या करने वाले हो? कुछ करने वाले हो? कोई एक्टिविटी? फिल्म फिल्म देखने वाले हैं। देखने वाले हो? कौन सी? विच मूवी आर गोइंग टू वॉच? यस, विच सेक्शन? यस, एट आपने बोला था। यस, एट है। विच मूवी आर गोइंग टू वॉच? यू शुड वॉच इंस्पिरेशन, मोटिवेशनल मूवी, दैट हेल्प यू आउट, है ना?
आज के दिन को वैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, दैट इट्स टुडे योर डे, आपका दिन है, लेकिन अच्छा बनाओ, ठीक है? ये हमारा मोटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वेस्ट कर दिया। चाचा नेहरू जी ने अपना दिन वेस्ट किया होता तो वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं होते कंट्री के। सो वैसे ही आपने अपना डे वेस्ट नहीं करना, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके, कुछ तो बनोगे अच्छा, है ना? सो प्लीज थिंक पॉजिटिवली। सो नाउ कल बेटा हमने कहाँ पर छोड़ा था? हु टेल मी, और शैल आई कॉल? एट थे बिरिंदर, एट थे बिरिंदर। यस बेटा, कहाँ तक हमने? मैम यस कल हमने क्या किया था बेटा, टेल मी। स्पीशीज तक किया था, डिफरेंट स्पीशीज विच रिप्रोडक्शन डू इन डिफरेंट वेज. नो, स्पीशीज मींस विच ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, इधर प्लांट्स और एनिमल, दैट कैन रिप्रोड्यूस, दैट कैन ब्रीड, ठीक है? सो दैट इज व्हाट वी हैव डन यस्टरडे, ठीक है? यहां तक हमने किया था। ओके, सिट डाउन। अब आई विल कॉल वन बाय वन, मैं एक एक करके बुलाऊंगी एंड आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, ठीक है? सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू कॉल एट थे वंश। वंश आ जाओ। मैम ही इज एब्सेंट. वंश इज एब्सेंट, ओके। देन गुरकिरत इज देयर, यस गुरकिरत इज देयर, यस मैम. यस बेटा। रीड द फर्स्ट क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर। यस गुरकिरत, यस, पहले बेटा क्वेश्चन रीड करो, व्हाट इज द क्वेश्चन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द करेक्ट आंसर, बट आई टोल्ड यू टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन लाउडली रीड करो, रीड द क्वेश्चन। The type of reproduction which produce many offsprings in a small time Yes, is. that's good. Sit down. So yes, answer is asexual reproduction. In asexual reproduction, many offsprings produce in a short time. ठीक है? क्योंकि only one parent is involved, like we discussed yesterday only. ठीक है? So that's the reason. Yes. So now coming to 8B. सूरज is there. 8B सूरज. 8B सूरज इज देयर, यस बेटा। सेकेंड क्वेश्चन इज फॉर यू, उसके बाद साहिब बी रेडी एंड मनवीर बी रेडी। सूरज के बाद साहिब, साहिब के बाद मनवीर, ठीक है? सो सूरज, योर क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच ऑफ स्प्रिंग्स थ्रू, या फिर वी कैन से द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू विच ऑफ स्प्रिंग्स आर क्लोन ऑफ पेरेंट्स। एसेक्सुअल. यस दैट्स गुड। क्लोन मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? मैम क्लोन कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी. एग्जैक्ट कॉपी, यस दैट्स राइट। सो हियर अगेन आंसर इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलती, हियर वी ऑब्जर्व नो वेरिएशन। कमिंग टू साहिब, साहिब साहिब इज एब्सेंट. इज एब्सेंट, मनवीर इज देयर, मनवीर इज ऑल्सो एबसेंट. ओके। कमिंग टू 8C देन, वनीत, 8C वनीत, वनीत इज देयर, 8C। बेटा जिसके पास माइक है प्लीज टर्न ऑन द माइक एंड डू कंफर्म वेदर दैट पर्सन इज यस प्रेजेंट, ओके। सो वनीत,
दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, थ्रू विच ऑफस्प्रिंग शो डिफ इन विच ऑफस्प्रिंग शो डिफरेंस इन फ्रॉम पेरेंट्स, एक्चुअल सेक्सुअल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ए सी. तनुष इज देयर? तनुष, यस तनुष कम फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू. द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच हेल्प्स इन अडेप्टिंग इंडिविजुअल्स इन चेंजिंग एनवायरमेंट, सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सिट डाउन बेटा, यू आर करेक्ट. नाउ एट सी कार्तिक कम फॉरवर्ड. एट सी कार्तिक, बेटा योर क्वेश्चन इज व्हाई आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाई नॉट एसेक्सुअल? हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प्स इंडिविजुअल टू अडेप्ट टू द एनवायरमेंट. मैम, बिकॉज द देर आर टू नीड ऑफ टू पेरेंट्स विच आर द बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड. यार क्लोज टू द आंसर. वी कैन से दैट बिकॉज हियर टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ जीन्स या कुछ करेक्टरिस्टिक्स पेरेंट ए से आ रहे हैं, कुछ पेरेंट बी से आ रहे हैं. आप दोनों ही बुरे तो नहीं हो सकते ना, कि दोनों ही बुरे करेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, कहिए कि बहुत अच्छे होंगे कि वो उनको जो है इन्वायरमेंट में अच्छे तरह अडेप्ट करने में हेल्प करें. तो इस वजह से बिकॉज देयर इज एक्सचेंज और वी कैन से मिक्सिंग ऑफ द जीन्स और करेक्टरिस्टिक्स एंड वी गेट न्यू प्रोडक्ट. जस्ट इमेजिन, सिट डाउन, जस्ट इमेजिन. हियर इट्स पेरेंट ए, एंड हियर इज पेरेंट बी. वेन देयर जीन्स और देयर करेक्टरिस्टिक्स मिक्स, ओके, वी गेट मिक्सचर. नाउ दैट मिक्सचर इज नीदर लाइक पेरेंट ए और पेरेंट बी. सो नाउ हियर यू कैन सी इट इज नॉट कंप्लीट येलो, नॉट कंप्लीट व्हाइट, इट्स अ मिक्सचर, लेमन कलर. कैन यू सी दिस? सो नाउ दिस इज हाउ वी कैन से दैट दे लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो हमें यहाँ पर डिफरेंट मिलता है. ऐसे हम एक और कलर का एग्जाम्पल ले सकते हैं. इंस्टेड ऑफ येलो, इफ आई एड हेयर रेड, वट आई गेट? यस, अगर येलो पेरेंट की जगह यहाँ पर रेड होता और व्हाइट दूसरा पेरेंट व्हाइट ही होता, तो बच्चा कैसा होता? पिंक पिंक. दैट्स गुड. तो पिंक से हमें क्या पता चल रहा है, ना वो पेरेंट ए की तरह है, वो ना ही पेरेंट बी की तरह है. इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स, ठीक है. मगर उसका जो कलर पिंक आ रहा है या लेमन येलो आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग, ठीक है, क्योंकि ये मिक्स हुआ है. नाउ जस्ट इमेजिन, अब इमेजिन करते हैं, अगर यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती, इफ हियर द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल, सिर्फ पेरेंट ए ही प्रोड्यूस करता, तो कैसा ऑफस्प्रिंग आता? एग्जैक्टली एग्जैक्टली येलो, है ना, एग्जैक्टली येलो. अगर ये रेड होता तो एग्जैक्टली रेड, और अगर पेरेंट बी करता तो क्या होता बच्चे का कलर? व्हाइट ओनली. सो दैट इज व्हाट वी कैन से दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. So that is how we can differentiate between these two. Got it? So this is called variation. अब इस बच्चे में अपने पेरेंट्स से वेरिएशन है, अलग है, डिफरेंस है, ठीक है. एंड नाउ बिकॉज हिज और हर जीन्स आर मिक्सचर ऑफ देयर पेरेंट्स, एंड नाउ देयर जीन्स आर बिट और वी कैन से वर्क डिफरेंटली, सो इट मे बी हेल्पफुल टू द ऑफस्प्रिंग, ठीक है. उसको हेल्प करेंगे आगे जो एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए. अब हम सबने कोविड एरा एक्सपीरियंस किया. यस, जो कोविड आया था 2020 का, वी ऑल एक्सपीरियंस कोविड. उस कोविड में बेटा, अगर हमारे घर में
छह बंदे हैं, सिक्स पर्सन आर देयर, क्या छह के छह को अगर कोविड हुआ है तो एक जैसा हुआ था? आपने सुना होगा उस टाइम कि एसिम्टोमेटिक है। एसिम्टोमेटिक मतलब उनपे कुछ दिख नहीं रहा। अगर उन्हें कोविड है ना, उन्हें फीवर हुआ ना, उन्हें सांस की कोई प्रॉब्लम हुई ना, उन्हें कोल्ड हुआ, इवन दो दैट पर्सन वॉज कोविड पॉजिटिव, लेकिन सेम घर में एक और पर्सन था जिसको फीवर भी हुआ, उसको जो है कोल्ड भी हुआ, और उसे सांस में भी प्रॉब्लम आई। गॉट इट? ह्यूमन ही थे सारे, बट दे रिस्पॉन्ड और देयर बॉडी रिस्पॉन्ड डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। क्यों किया? बिकॉज ऑफ द वेरिएशन, क्योंकि उनके अंदर के जो जीन्स हैं, उनके अंदर जो करेक्टरिस्टिक ट्रेट्स हैं, दोज आर डिफरेंट। क्लियर सबको? क्यों हमारे जो है, हमने ये कहा कि कईयों में जो है कोविड बहुत ज्यादा हो गया, कई तो कोविड की वजह से कईयों की डेथ भी होगी, कई जो है हॉस्पिटलाइज हो गए, कई घर में ही ठीक हो गए, और कईयों को कुछ हुआ ही नहीं, जबकि सबको कोविड हुआ उस टाइम, लेकिन कोविड बिहेव डिफरेंटली बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मेकअप, क्योंकि हमारे अंदर जो जीन्स हैं वो जो है मिक्स होके आए हैं, तो कई बार हमारे पास बहुत अच्छे जीन्स आ गए, ठीक है? जब अच्छे जीन्स आ गए तो उन्होंने हमें हेल्प कर दिया कोविड एरा को सहन करने का। सो दैट हेल्प्स और दैट वेरिएशन हेल्प अस टू सर्वाइव। गॉट इट? यस सेठ जी, यस सेठ जी, मेरे योर वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपरली। यस ओके, सो दैट इज व्हाट, नाउ वी लर्न दैट हाउ वेरिएशन हेल्प अस टू सर्वाइव इन डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है? अब हमें पता लग गया वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे अलग अलग चीजें बनाती है, ठीक है? अब हमने कल पढ़ा था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कमिंग टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नोट डाउन बेटा, नोट डाउन। इफ वी टॉक अबाउट सेक्सुअल साइकिल, इफ वी टॉक अबाउट सेक्सुअल साइकिल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एडल्ट इंडिविजुअल। ऑर्गेनिज्म, ओके, दिस ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट्स एडल्ट और वी कैन से ग्रोन अप, इट प्रोड्यूस गैमेट्स, इट प्रोड्यूस गैमेट्स, गैमेट्स आर व्हाट? रिप्रोडक्टिव सेल्स, सेक्स सेल्स, गैमेट्स गैमेट्स आर सेक्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स, ओके, दे प्रोड्यूस गैमेट्स। नाउ हियर अगेन राइट डाउन इन ब्रैकेट, इन मेल एंड फीमेल वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, ओके, इन मेल इट इज कॉल्ड स्पर्म्स, इन फीमेल इट इज कॉल्ड एग्स। सो दिस इज द नेम गिवन टू मेल एंड फीमेल गैमेट्स। राइट डाउन इन दिस वे सो दैट यू रिमेंबर, ठीक है? सबने ऐसे ही लिखना है। एंड इफ यू हैव कलरफुल पेन और पेंसिल, यूज कलरफुल, स्पेशली इन बायो, इन साइंस, एज मच एज कलर पेंसिल और कलर पेन यू यूज, इट हेल्प्स यू टू रिमेंबर। जितना अच्छी तरह करोगे बेटा, ड्रॉ करोगे, उतना अच्छा आपको लगेगा पढ़ते टाइम भी, रिमेंबर करते हुए टाइम भी, ठीक है? नेक्स्ट इज
then these gametes are there because we are reading about or we are discussing about sexual cycle. It means sexual reproduction. So here two parents are involved, means male and female. So here fusion of gametes happen. जो गैमेट्स हैं वो आपस में फ्यूज मिलते हैं और ये जो फ्यूजन होती है उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड है कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. अब किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है उसकी जो लाइफ में जो टू इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, दीज आर टू. फर्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स एंड द सेकेंड वन इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. ये दोनों दोनों होना जरूरी है तभी जो है रिप्रोडक्शन होगी, तभी ऑफस्प्रिंग बनेगा. ठीक है. अब जब ये फ्यूजन हो जाती है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स कंबाइन होते हैं, देन वी गेट a product that is called zygote. We get zygote. This zygote is basis of offspring, or we can say bacha banne ka process start ho gaya, jisme mixture hai male and female ka zygote mein. Zygote se banta hai embryo. Now embryo is इन एम्ब्रियो स्टेज वी कांट से दैट ये पैर है, ये हाथ है, ये नाक है, ये मुंह है. जो एम्ब्रियो होता है उसके पास डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होते, बट इट हैज हार्ट. इसके पास लिविंग सेल्स होते हैं, तो उसके बेसिस पे हम कहते हैं बच्चा जो है ग्रो कर रहा है इन द वूम. ओके. नाउ फ्रॉम दिस एम्ब्रियो डेवलपमेंट हैपन एंड फाइनली इट टर्न्स इनटू एन ऑर्गेनिज्म. तो थर्ड मेजर स्टेप आता है डेवलपमेंट. एम्ब्रियो से बनता है फीटस. जो फीटस स्टेज होती है उसमें वी कैन इजली डिस्टिंग्विश बिटवीन द लिम्ब्स ऑर्गन्स कि यहां पर हाथ है, यहां पर फिंगर्स है, यहां पर फेस है, यहां पर नाक है. इन फीटल स्टेज वी कैन सी दैट बट नॉट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज. ओके. फर्स्ट थिंग इज दिस, पहले ये बना लो, देन वी विल मूव अहेड. फर्स्टली ड्रॉ दिस. Yes, done beta. Yes. All sections are done na? Ho gaya? Yes. So ab yahan par jo humne kuch terms use ki hai usse related main ek question pehle likhwati hu, usko likho. Okay, so you have to write down the question as such, saath saath question likhne hai, so that aap अपने एग्जाम के लिए भी साथ साथ रेडी हो. लिखो व्हाट आर द टू मेजर स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट आर द टू मेजर स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So who can tell me, हमने अभी पढ़ाई है. So I will call from 6D. Sukman is there? Sukman. Sukman is there? Say yes or no? Yes. Yes, beta, tell me what are the two major events of sexual reproduction we just discussed. Asexual, sexual.
बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाउ कम ए सेक्सुअल विल कम, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं उसमें ए सेक्सुअल कहाँ से आ जाएगा? अभी जो हमने साइकिल बनाई उसमें मैंने कुछ आपको पॉइंट्स लिखवाए, मार्क करने को कहा था 1 2 करने के लिए, क्या लिखवाया था? अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले क्या होना चाहिए, कौन से सेल्स होने चाहिए जो बनाए? गेमेट्स गेट बेटा सुखमन स्पीक, ओके ओके सुखमन यू सिट डाउन, सहज प्रीत इज देयर फ्रॉम द सेम सेक्शन, सहज प्रीत, मैम, यस सहज यू कम, सुखमन यू गो, बेटा सिट डाउन, सहज प्रीत, यस बेटा यू टेल मी दोस टू मेजर इवेंट्स, मैं यूनिसेक्सुअल सेक्सुअल ओके यू गो, यू ऑल्सो गो, हर्षप्रीत, हर्षप्रीत, यस टू मेजर इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। दैट्स रियली गुड। अब सुखमन और सहज प्रीत अपने डेस्क पे खड़े हो गए, ये जो इसने बोला है अभी हर्षप्रीत ने उसको एक एक बार बोलो, खड़े हो जाओ दोनों, सुखमन है सहज प्रीत बोलो, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, लाउडली प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड बोलो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स। यस नाउ सिट डाउन। तो अब आपको याद रहना चाहिए फर्स्ट क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, सब आंसर लिखो, टू मेजर इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, एंड सेकेंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, अब एट थी से आ जाओ सुखमन जोत, एट थी से सुखमन जोत, सुखमन जोत आ जाओ और साथ में आ जाओ समीर, समीर इज देयर, यस सुखमन जोत यू टेल मी प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स जो हमने लिखा है, फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स का क्या नाम होता है? पहले बेटा जूम से अपना माइक ऑन करो, टर्न ऑन द माइक फ्रॉम द जूम, यस सुखमन जोत सिर्फ आप बोलेंगे, आप बताओगे मुझे कि मेल और फीमेल गैमेट्स का नाम, मेल बेटा योर वॉइस इज नॉट कमिंग, गैमेट्स बेटा सीधा खड़े होके लाउड बोलो, थोड़ा खाना खाया ना, आवाज नहीं आ रही बेटा, मैम प्लीज हेल्प हिम आउट, गैमेट्स यस स्पर्म्स एंड एग्स, दैट्स गुड, नाउ कमिंग टू समीर, समीर यू टेल मी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आर कॉल्ड व्हाट? फर्टिलाइजेशन, दैट्स गुड, सिट डाउन बेटा, सो यस इट्स राइट, ओके सो यू हैव डन दिस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, अभी जो हमने पूरी साइकिल की उससे रिलेटेड आ जाते हैं, वी आर कमिंग टू अनदर थिंग, एंड व्हाट इज दैट? सो बेसिकली वी लर्न द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सॉरी सेक्सुअल साइकिल टुडे, एंड इन द सेक्सुअल साइकिल व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट द फर्टिलाइजेशन, वी नो फर्टिलाइजेशन, वी नो गैमेट्स, बट हाउ फर्टिलाइजेशन एंड वेयर इट टेक्स प्लेस वी शुड अंडरस्टैंड, सो नाउ सब लिखोगे बेटा साथ में, नाउ फर्टिलाइजेशन दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कैन टेक प्लेस इंटरनली मीन्स इनसाइड द बॉडी
और एक्सटर्नली मींस आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी। ओके, सब इसको लिखते चलो। इनसाइड द बॉडी, हियर आउटसाइड द बॉडी। ओके, नाउ इफ इट इज टेकिंग इनसाइड द बॉडी मींस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूजिंग और मिक्सिंग इनसाइड द बॉडी, वेयर डज एम्ब्रियो डेवलप? वेयर डज एम्ब्रियो विल डेवलप, इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी? सो एट है हरकीरत सिंह, एट है हरकीरत सिंह। मैम उसने स्कूल लेफ्ट कर अच्छा, सो मानवदीप इज देयर, मानवदीप? यस मानवदीप, आ जाओ। यस बेटा, इफ फर्टिलाइजेशन इज इनसाइड द बॉडी, ठीक है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स अंदर मिक्स हुए हैं बॉडी के अंदर। अब आप ये बताओ एम्ब्रियो कहाँ डेवलप होएगा, इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी? इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी। ओके, सो वी कैन से जाइगोट बनेगा इनसाइड द बॉडी। ठीक है, नाउ यू आर सेइंग एम्ब्रियो विल फॉर्म और डेवलप इनसाइड द बॉडी। ठीक है, सिट डाउन। से हमारी डेवलपमेंट होगी इनसाइड द बॉडी। तो हमने ये कहा इंटरनल फर्टिलाइजेशन और जो डेवलपमेंट है बच्चे की। ओके, वो क्या है? इंटरनल। इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ बेबी, ठीक है, डेवलपमेंट भी हम कह रहे हैं इंटरनल है। तो अब जो है इन दिस केस, ओके, हियर इन दिस केस, अब मुझे बताओ जो जाइगोट बन गया, ठीक है, बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है, इज इट नेसेसरी इट हैपन्स इनसाइड द बॉडी और इट कैन हैपन आउटसाइड द बॉडी? इट कैन यस, आउटसाइड द बॉडी। इट कैन हैपन आउटसाइड द बॉडी ऑल्सो। सो हियर वी कैन गिव और से एक्सटर्नल डेवलपमेंट में टेक प्लेस। अब मुझे बताओ जहां पर इंटरनल डेवलपमेंट हुई है उसमें क्या बनेगा और जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट है उसमें आउटकम क्या होगा? हु कैन टेल मी? जहां पर इंटरनल, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, हम अपनी बात करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ द बेबी वूम में बनता है, बच्चे क्या है ना, मदर के जो स्टमक है उसके अंदर वो ग्रो कर रहा है। जब वो बाहर निकलता है तो क्या होता है? यंग वंस, वी गिव बर्थ टू यंग वंस, यस और नो? यस से एवरीवन, ह्यूमंस गिव बर्थ टू yes. यंग वंस और नॉट? yes. सो हियर वी कैन सी वी गिव बर्थ टू यंग वंस। हमने यंग वंस को बर्थ दिया। अगर अब आपने कहा जाइगोट बनने के बाद एक्सटर्नल डेवलपमेंट हो रही है, मतलब बॉडी के बाहर डेवलप हो रहा है बच्चा, तो यहां पर आपको क्या लगता है यंग वंस होंगे? क्या होगा? हम एक्सरे करेंगे। यस, सो दे ले एग्स, दे ले एग्स। ओके, सो जहां पर एक्सटर्नल डेवलपमेंट हो रही है, जाइगोट बन गया, इंटरनली फर्टिलाइज हुआ, लेकिन बाकी का प्रोसेस आउटसाइड द बॉडी, सो दे ले एग्स। ओके, इन दिस केस दे ले एग्स। नाउ कमिंग टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? इसमें क्योंकि हमारे जो गैमेट्स बने वो बाहर चले गए बॉडी से, फर्टिलाइजेशन हम कह रहे हैं बॉडी से बाहर हो रही है,
सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर बात करें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड, तो डेवलपमेंट क्या होगी, वेयर विल डेवलपमेंट टेक प्लेस, एथ एफ वंश, यस वंश, वेयर विल डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो और बेबी विल टेक प्लेस इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल एक्सटर्नल, दैट्स गुड, सिट डाउन, सो डेवलपमेंट शुड बी एक्सटर्नल, क्योंकि जब बाहर ही है गैमेट्स और फ्यूजन बाहर है तो बच्चा भी बाहर ही बनना शुरू होएगा, सो हियर, अब ये बताओ बेटा, दे विल ले इट और दे विल गिव बर्थ टू यंग वंस, सो दिस इज फ्रॉम एट्थ जी युवल, एट्थ जी युवल आ जाओ, वो एफ में अभी एफ में, ओके, सो एट जी गुरशांत इज देयर, युवल यहीं पे आप सुनो युवल यहीं पर है, युवल पे बेटा जल्दी खड़े हो जाएगा, करो नाम लिया तो, युवल अगर है तो आ जाए, नहीं तो गुरशांत आ जाओ, यस। ओके, एट एफ में है युवल, युवल मुझे बताओ, अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट हो रही है, तो दैट ऑर्गेनिज्म विल ले एग और गिव बर्थ टू यंग वंस, मैं गिव बर्थ टू यंग वन। गिव बर्थ टू यंग वंस, गुरशांत यू ऑल्सो कम, आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो द आंसर फ्रॉम यू ऑल्सो, सो व्हाट्स योर ओपिनियन बेटा, इफ एन ऑर्गेनिज्म इज फर्टिलाइजिंग एक्सटर्नली और देयर वी कैन से बेबी इज ग्रोइंग और डेवलपिंग एक्सटर्नली, वी आर व्हाट वी आर यू नो व्हाट दे विल प्रोड्यूस, दे विल प्रोड्यूस यंग वन और दे ले एग, दे ले एग, यस, सिट डाउन, सो दे विल ले एग, सो हियर ले एग, तो बेटा सब कुछ ही बॉडी के बाहर है, तो उनको एक शेल चाहिए, कवरिंग चाहिए टू ग्रो, ठीक है, नरिशमेंट उन्हें मिले, तो उसके लिए उनको एग में होना जरूरी है इन केस ऑफ ह्यूमंस और सम अदर ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स, दोज हु गिव बर्थ टू यंग वंस, जिनका बच्चा है वो सारी नरिशमेंट मदर के पेट में ले लेता है, फिर वो जब पूरा बन जाता है देन दे कम आउट फ्रॉम द बॉडी, मदर्स बॉडी, ठीक है, दैट्स व्हाई ह्यूमन डजंट प्रोड्यूस एग, वी डू नॉट ले एग, बिकॉज कंप्लीट नरिशमेंट ऑफ द बेबी हैपन इनसाइड द मदर्स वूम, ठीक है, मदर के अंदर ही बच्चा पूरा ग्रो हो जाता है इस कारण, ठीक है, सो अब मुझे बताओ, ऑर्गेनिजम्स दोज हु ले एग आर कॉल्ड व्हाट, दमन फ्रॉम एट जी, दमन फ्रॉम एट जी, चलो देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओपन क्वेश्चन राउंड, ठीक है, फिर मैं लास्ट में बताऊंगी कौन सी क्लास के साथ ज्यादा क्वेश्चन सही हुए हैं, सो बस हैंड रेस करने कोई बोलेगा नहीं, जिसने पहले बोल दिया उसको तो मैं कैंसिल कर दूंगी, उसको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, सो माई क्वेश्चन इज ऑर्गेनिजम्स Those who lay eggs are called what? Yes, eighth है, first bench, middle row. ओविपेरियस। Oviparous. That's good. That's good. Oviparous. So, oviparous. Now, organism. Those who give birth to young ones are called AG. Yes, सबसे पहले आप ही का हाथ खड़ा हुआ है. Yes, बेटा. विविपेरस, यस, सो विविपेरस, सो दैट्स करेक्ट, सो सब लिख भी लो, अब जहां पर यंग वंस प्रोड्यूस हुए हैं, सो दीज आर कॉल्ड व्हाट, दीज आर कॉल्ड विविपेरस, विविपेरस सो वी ह्यूमंस आर व्हाट, वी ह्यूमंस आर व्हाट, विविपेरस
वीवी पेरस। यस। सो ये सबने नोट कर लिया है, सबका हो गया। यस यस ओके दैट्स गुड। अब हम फटाफट एक टेबल बनाएंगे इसी से रिलेटेड। सबका हो गया ना ये? यस यस ओके। लास्ट स्टेप जल्दी करो। सो नाउ लेट्स मूव। नोट डाउन दिस फास्ट। जो भी तक हमने पढ़ा है उसका एक कंक्लूजन है। दिस टेबल इज द कंक्लूजन ऑफ दैट थिंग दैट वी हैव लर्न टुडे। ठीक है डाउन दिस फास्ट। सो दिस इज व्हाट वी कैन से कंक्लूडिंग टेबल। जो भी हमने सेक्सुअल साइकिल पढ़ा उसको हम जो है ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हैं लास्ट में। इफ फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज एक्सटर्नल, देन प्रोडक्ट विल बी एग्स, एग्जाम्पल फ्रॉग्स एंड फिश। इफ फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मतलब फ्यूजन जो है अंदर हो रहा है बॉडी के, बट डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इज एक्सटर्नल, देन प्रोडक्ट विल बी एग्स, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स। नाउ कमिंग टू फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, बोथ आर इंटरनल लाइक इन ह्यूमंस, देन दे गिव बर्थ टू यंग वंस। और इसी के साथ हम इसको कह सकते हैं, वी कैन से, वी कैन पुट दीज टू हियर इन द कैटेगरी ऑफ ओविपेरस एंड द लोअर वन इन द कैटेगरी ऑफ विविपल्स। ओके नाउ इज इट क्लियर? एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट स्टूडेंट? यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। सो इट बेटर यू आस्क मी नाउ इफ यू हैव एनी डाउट, और अगर कुछ समझ नहीं आया यू कैन आस्क मी। जस्ट रेज योर हैंड, फील फ्री टू आस्क। सबने नोट कर लिया ये टेबल? आई थिंक अभी सब कर रहे हैं। ओके सो बेटा इफ यू रिमेम्बर दिस टेबल, ओके इफ यू अंडरस्टैंड दिस टेबल, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड देन ह्यूमन साइकिल। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड अदर मेटामॉर्फोसिस देन
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एवरीथिंग इससे रिलेटेड है। अगर आपको ये पता होगा, यू कैन इजिली आंसर द यू नो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। सो मेक श्योर यू रिमेम्बर दिस। ओके, अब आपका जो टास्क है, होमवर्क है, वो क्या है, जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं इन सब के, आपने दो दो एग्जांपल्स अपनी तरफ से ढूंढ के लाने हैं और लिख के लाने। लाइक आई हैव मेंशन हियर फ्रॉग्स एंड फिश, बट देर आर मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स हु फर्टिलाइज एक्सटर्नली एंड डेवलप एक्सटर्नली। सिमिलरली देर आर मेनी ऑर्गेनिज्म हु फर्टिलाइज इंटरनली बट दे आर एम्ब्रियो डेवलप एक्सटर्नली। सिमिलरली हियर देर आर मेनी ऑर्गेनिज्म हु फर्टिलाइज एंड डेवलप एम्ब्रियो इंटरनली। सो यू हैव टू राइट डाउन टू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ईच कैटेगरी। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू आस्क अगेन, आई विल कॉल रेंडमली फ्रॉम एनी क्लास, सो मेक श्योर यू विल डू दिस होमवर्क। ओके, आपने ये होमवर्क करके रखना है। सो नाउ अगेन, बाय स्टूडेंट्स एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे, डू एंजॉय योर डे। ओके बाय। थैंक यू फॉर टीचिंग अस। ओके बेटा, बाय। मैम सेम टू यू।